बिसमिम आज हमारा क्लास का मॉक है और हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं एफ़ एफ ए का न्यू मॉक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉक है तो साथ साथ आप लोग सुनते रहें और अपना मार्क भी करते रहें करेक्ट ऑप्शंस को क्वेश्चन नंबर वन एफ़ को हैज़ एन इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री ऑफ टू फिफ्टी थाउजेंड अ डिक्रीज़ इन बैंक बैलेंस ऑफ फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड डॉलर एंड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल ऑफ ट्व हंड्रेड डॉलर वट वुड बी द मूवमेंट इन वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल क्या होता है करंट करंट एसेट्स माइनस तो इसका मतलब क्या है इंक्रीज हुआ है इन्वेंट्री में तो हमारा वर्किंग कैपिटल में पैसा ऐड हुआ है इंक्रीज हुआ है पेबल से हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ है तो टोटल कितने का इंक्रीज हो रहा है चौदह सौ पचास का इंक्रीज हो रहा है और बैंक बैलेंस कितने से डिक्रीज हो रहा है बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है बाय फोर हंड्रेड तो इसका मतलब नेट जो हमारे पास इंक्रीज आ रहा है वर्किंग कैपिटल में वो आ रहा है से तो बी करेक्ट ऑप्शन तो आप साथ साथ अपने मार्क भी करते रहे क्वेश्चन नंबर टू पे मूव करते हैं कहते हैं जी स्मोक को हैड नॉन क्रंटेट विद द कॉस्ट ऑफ डबल टू सिक्स जीरो ट्रिपल जीरो ट्रांजेक्शन टू प्लेस नॉन क्रंटेड विद द कॉस्ट ऑफ फाइव फोर फाइव फाइव ट्रिपल जीरो वर्स परचेज एसट एसे वर सोल्ड फॉर वन थर्टी अ बिल्डिंग विच हैट अ कास्ट ऑफ सेवन हंड्रेड थाउजेंड एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ थ्री फिफ्टी वॉज री वैल्यू टू नाइन हंड्रेड वट इज़ द बैलेंस ऑन दी नॉन करंट एसेट कॉट और वैल्यूशन अकाउंटी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी एक्स एट तो हम देखें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था डबल टू सिक्स जीरो इसके बाद हमने कहा हमने कितने परचेज किए हैं परचेज ड्यूरिंग द ईयर फाइव फोर फाइव और रीवैल्यूएशन वैल्यूशन कितनी सी हुई है रीवैल्यूएशन के लिए हमें पता है कि हम कैरिंग वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट का डिफरेंस तो कैरिंग वैल्यू कितनी थी 350 रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 900 तो 900 और 350 का डिफरेंस कितना है इट्स 550 तो हम डेबिट साइड पे क्या आ गया ओपनिंग बैलेंस 2260 टू सिक्स जीरो प्लस फाइव फोर फाइव प्लस फाइव फिफ्टी और क्रेडिट साइड पे हमने जो डिस्पोज़ किया है उस एसिड की कॉस्ट कितनी है क्योंकि हम कॉस्ट का लेजर बना रहे हैं कैरिंग वैल्यू का लेजर बना रहे होते तो हम क्या लेस कर रहे होते कैरिंग वैल्यू लेस कर रहे होते तो इधर डेप्रिसशन नहीं आएगी क्योंकि कॉस्ट का लेजर है तो हमने डिस्पोजल कितने का हो गया टू का ये मैटर नहीं करता कि उसकी कीमत कितने का बेचा है ये मैटर नहीं करता प्रॉफिट लॉस मैटर नहीं करता कितने का बेचा है ये मैटर नहीं करता तो हम क्या लेंगे डबल टू सिक्स ज़ीरो प्लस फाइव फोर फाइव प्लस फाइव फिफ्टी माइनस टू नाइन्टी यू विल गेट दी Answer which is B option 3065000. Question number three Which two of the following error would lead to creation of a suspense account? An advice for insurance debited to heat and lighting. This is an expense of expense hai? Ek expense? Jaga, dusra expense record karde. error of commission. An overdraft debited to the trial balance. Our draft is always a current liability and liabilities are credited. क्रेडिट को डेबिट या डेबिट को क्रेडिट करें तो सस्पेंस बनता है और डबल अमाउंट से सस्पेंस बनता है व्हीकल व्हीकल रिपेयर्स रिपेयर्स डेबिटेड टू नॉन दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल आपने एक एक्सपेंस को क्या बना दिया एसेट बना दिया तो यहां पे सस्पेंस नहीं बनेगा कैश सेल्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड नो वेयर एल्स पार्शल ओमिशन दिस इज सिंगल साइड एंट्री पार्शल ओमिशन तो पार्शल ओमिशन में भी सस्पेंस बनेगा बी एन ओवर ड्राफ्ट डेबिटेड टू ट्रायल बैलेंस तो बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाते हैं क्या कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एस को इनकरेक्टली ट्रीटेड दी परचेज ऑफ नॉन करंट एसिड विच कॉस्ट थर्टी थाउजेंड अ रिपेयर एक्सपेंस द एसिड शुड हैव बिन डेप्रीसीटेड एट ट्वेंटी स्टेट लाइन द फुलयर चार्ज इन दर ऑफ एक्विजीशन वट जर्नल एंट्री इज रिक्वायर टू कर नॉर्मली ये साल एग्जामिनर एफ ए टू में भी देता है बट यहाँ पर आप देखें तो स्टाइल थोड़ा चेंज किया है वो क्या कहता था कि मैंने एक्सपेंस को एसेट बना दिया एसेट को एक्सपेंस बता दिया कि बताओ वट वुड बी दैट इफेक्ट यहाँ पे वो नेट इफ़ेक्ट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर वो बात कर रहा है जर्नल एंट्री की कि आप वो कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो देखो आपने गलती से रिपेयर को क्या बनाया था एक्सपेंस बनाया था तो क्रेडिट कर दिया रिपेयर को तो मतलब एक्सपेंस को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह आपने डेबिट कर दिया नॉन करंट एसिड को आपने डेबिट नॉन करंट एसिड क्योंकि नॉन करंट एसिड रिकॉर्ड करना था डेबिट नॉन करंट एसिड क्रेडिट रिपेयर्स और अब आप इस थर्टी थाउजेंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें कैसे चार्ज करेंगे ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट डेप्रिसिएशन कितनी होगी सिक्स थाउजेंड तो डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सिक्स थाउजेंड क्रेडिट एकोलेटेड डेप्रिसिएशन सिक्स थाउजेंड दिस इज अ न्यू पैटर्न ये न्यू एक उसने तरीके से आपसे पूछने की कोशिश की है अदरवाइज हम इसमें क्या बताते थे हम बताते थे कि प्रॉफिट कितने से ओवर स्टेट या अंडर स्टेट होगा हमने छः हज़ार एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था हमने कितना रिकॉर्ड कर लिया थर्टी थाउजेंड रिकॉर्ड कर लिया तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड का इम्पैक्ट आ रहा था नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ कहते अकॉर्डिंग टू आई एसोइंगशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल गिवर टू इट्स कस्टमर दर्म ऑफ दर दू मे एनी डिफेक्ट इन इन इट्स प्रोडक्ट दट अराइज विद इन दूर्स एक्सपेक्ट दैट अराउंड टू परसेंट ऑफ सेल्स ईच ईयर विल रिजल्ट इन क्लेम अंडर वारंटी तो यस जब आप वारंटी दे रहे हैं और टू ईयर्स की ऑप्शन आपने दी है तो आप जो भी आप रिफंड करेंगे उसे ठीक करके देंगे रेक्टिफाई करेंगे उसकी अप्रोविजन बनाएंगे अ कोल्ड माइनिंग कंपनी ऑपरेट्स इन अ कंट्री वेथ देर इज नो लेजिस्लेशन रिक्वॉयरिंग द कंपनी टू मेक गुड इन्वायरमेंटल डैमेज द कंपनी कॉज इज इन्वायरमेंटल डैमेज बट हैज अ वाइडली पब्लिसाइज पॉलिसी ऑफ मेकिंग गुड दिस डैमेज इट नॉर्मली एडेयर टू दिस पॉलिस तो दिस इज योर कौन सी ऑब्लीगेशन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लीगेशन बेशक आपके ऊपर लीगली बाउंड नहीं है बट आपने अनाउंस किया हुआ है एक्सपेक्टेशन बन गई है और आप अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे प्रोविजन रिकोगनाइज करेंगे तो इन बोथ सिचुएशन यू हैव टू रिकोगगनाइज दी प्रोविजन यस एंड येस नेक्स्ट अट्रेड पेबल कंट्रोल अकाउंट कंटेन द फॉलोइंग एंट्रीज इन द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी एक्स एट बैंक पेमेंट पेबल लेजर बना रहे हैं पेमेंट से आपके पेबल्स क्या होंगे आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटीज इंक्रीज़ होती हैं तो क्रेडिट परचेजेस क्रेडिट साइड पे आएंगी रिटर्न आउटवर्ड्स डेबिट साइड पे आएंगे डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड पे आएंगे कॉन्ट्रैक्ट डेबिट साइड पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा व्हेन यू बैलेंस योर लेजर यू विल गेट दी ओपनिंग बैलेंस विच इज नाइन जीरो फाइव जीरो क्वेश्चन नंबर 7 पोलर को हैज अ रिसर्च प्रोजेक्ट ए एंड अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बी During 20X5, material of 40,000 for project A and 30,000 for project B were purchased and used. The project managers was paid a salary of 40,000 and spent 60% of her time on project A and the remainder work on project B. According to IS 38 Intangible Assets, if the capitalization criteria are met, what is the amount of development cost? टू बी capitalized by पोलर को इन ट्वेंटी एक्स फाइव तो कौन सा प्रोजेक्ट हमारा था जी जिसपे कैपिलाइज करना था अगर आप देखें तो हमने कहा था प्रोजेक्ट बी तो प्रोजेक्ट बी पे हम कितने पैसे लगा चुके हैं थर्टी थाउजेंड कैपिलाइज होगा और ये जो सैलरी है इसका कितना परसेंट इसका फोर्टी परसेंट तो वो फोर्टी परसेंट कितना आ रहा है सिक्सटीन थाउजेंड तो थर्टी थाउजेंड प्लस सिक्सटीन थाउजेंड यू विल गेट फोर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है ये सिक्सटीन थाउजेंड क्या है ये उस फोर्टी थाउजेंड का फोर्टी परसेंट है जो कि मैनेजर की सैलरी जो मैनेजर का टाइम किस पे लग रहा था प्रोजेक्ट बी पे और ऑलरेडी जो हम प्रोजेक्ट बी पे इनकर्ड कर चुके हैं वो थर्टी है थर्टी प्लस सिक्सटीन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर विच इज फोर्टी सिक्स थाउजेंड क्वेश्चन नंबर एट वट वॉज द वैल्यू ऑफ सीज क्रेडिट सेल्स अगेन ओपनिंग रिसिवेबल्स क्लोजिंग रिसिवेबल्स एफ ए वन के स्टूडेंट को ढूंढे और उससे ये सॉल्व कराने की कोशिश करें तो वो भी ठीक करेगा ओपनिंग रिसीवेबल्स, क्लोजिंग रिसीवेबल्स, बैंकिंग अमाउंट्स कहते हैं बट जो बैंक करवाया है इसमें टेन थाउजेंड कैपिटल और कैश सेल्स का है तो हमने क्या कहा था रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में ऑल ट्रांजेक्शन विद क्रेडिट कस्टमर्स आता है तो आप कैश रिसीव्ड में क्या लिखेंगे आप कैश रिसीव में टू फोर्टी फोर थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड लिखेंगे ना कि टू फिफ्टी फोर लिखेंगे तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड क्रेडिट सेल्स विच इज़ टू फोर सेवन वन फोर ज़ीरो जस्ट इसमें आपसे वो देख रहा था कि आपको ये पता है कि रिसीवेबल लेजर में क्या आता है रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट ओनली कंटेन्स ट्रांजेक्शन विद क्रेडिट कस्टमर्स अदर देन क्रेडिट कस्टमर्स हमें एलिमिनेट करनी चाहिए तो जो कैश रिसीव किया था वो टोटल कैश था उसमें कैश सेल्स भी थी तो हमने वो टेन थाउजेंड एलिमिनेट कर दिया तो बाकी का जो कैश है वो ऊपर क्वेश्चन में बता भी रहा है कि जो बाकी का कैश है वो किससे लिया है वो क्रेडिट कस्टमर से लिया है तो टू फिफ्टी फोर माइनस टेन थाउजेंड इट टू फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नाइन की तरफ वट वॉज द टोटल ऑफ लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिसीवेबल लैजर बैलेंस वट इज दैलेंस करेक्ट बैलेंस पूछता है, तो हमें कंट्रोल अकाउंट दिया था कंट्रोल अकाउंट का एर को एडजस्ट कर लेते तो देखिए कहते हैं क्लोजिंग बैलेंसर ऑफ फोर ट्वेंटी थाउजेंड तो आपके पास कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना है फोर ट्वेंटी थाउजेंड विच डिज नॉट एग्री विद द टोटल ऑफ लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिसीवेबल्स लेजर बैलेंस एट द ईयर एंड सब्सिक्वेंट रिवील द फॉलोइंग द सेल डे बुक हैड बीन ओवर कॉस्ड बाई फिफ्टीन थाउजेंड कंट्रोल अकाउंट बैलेंस इज ओवर स्टेटेड बाई फिफ्टीन थाउजेंड सो वी नीड टू डिडक्ट फिफ्टीन थाउजेंड फ्राम अवर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस तो हमने चार लाख बीस हजार में से फिफ्टीन थाउजेंड को जब माइनस किया तो वी विल गेट फोर जीरो फाइव ट्रिपल जीरो बट यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ बिफोर लिस्ट का क्या बैलेंस था तो ये तो आफ्टर एडजस्टमेंट लिस्ट का बैलेंस होगा ना ये करेक्ट बैलेंस है ये list और कंट्रोल का दोनों का करेक्ट बैलेंस फोर जीरो फाइव बट वी डोंट है ऑप्शन अगर उसने आपको बताने के लिए भी फोर जीरो फाइव की ऑप्शन भी नहीं दी थी कि आप इस तरफ गुमराह ना हो जाए तो अब क्या कह रहे हैं एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम द सेल लेजर ऑफ टेन थाउजेंड हैड बीन इनकोरेक्टली रिकॉर्डेड इन द लिस्ट एज अ क्रेडिट बैलेंस आपने एड करना था आपने क्या कर लिया माइनस कर लिया तो अब कितना डबल अमाउंट का फर्क आएगा कितना फर्क आएगा ट्वेंटी थाउजेंड का फर्क आएगा ट्वेंटी थाउजेंड आपका असल बैलेंस से कम बैलेंस आएगा तो असल बैलेंस क्या होना चाहिए था चार लाख पाँच हजार होना चाहिए था तो चार लाख पाँच हजार माइनस बीस हजार यू विल गेट थ्री एटी फाइव थाउजेंड जो कि बिफोर एरर था यहां पे उसने आपके कंट्रोल अकाउंट को कैसे चेक किया नॉर्मली वो इतना जालिम नहीं है एग्जामिनर ऐसा नहीं करता बट उसने हर किसी को सो नंबर नहीं देने तो एक साल वो ऐसा जरूर देगा कि आप नाइनटी एट ले लें तो बट अब आपको ये बात समझ आ गई है फिर भी आपने सो नहीं लेने कहते पी को कोजन ट्वेंटी यूनिट्स इन इन्वेंट्री एटी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फिनिश गुड दैट हैज़ बिन परचेज कॉस्ट ऑफ फोर फिफ्टी पर यूनिट पी ओ नॉर्मल सेलिंग प्राइस फाइव हंड्रेड ड्यूरिंग मार्च ट्वेंटी आइटम वर डैमेज एंड रिक्वायर रिपेयर कॉस्ट ऑफ ट्वेल्व पॉइंट फाइव ईच द सेलिंग प्राइस ऑफ द डैमेज डैमेजेयर विल बी फोर थर्टी तो अब देखें हमारे पास एन आर वी कितनी आ गई सेलिंग प्राइस कितनी है फोर थर्टी माइनस कॉस्ट टू सेल कितना है ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो हमारे पास एन आर वी आ रही है चार सौ सत्रह इशारिया पाँच फोर वन सेवन पॉइंट फाइव तो बीस आइटम डैमेज हुए हैं मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी और बाकी जो हंड्रेड आइटम्स हैं वो बिल्कुल ठीक है वो अपनी कॉस्ट पे रहेंगे और कॉस्ट कितनी है फोर फिफ्टी तो हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फोर फिफ्टी एंड ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय फोर पॉइंट फोर वन सेवन पॉइंट फाइव तो आप देखेंगे कि जब हंड्रेड को फोर फिफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट पैंतालीस हज़ार फोर्टी फाइव थाउजेंड एंड ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय फोर वन सेवन पॉइंट फाइव यू विल गेट एट थ्री फाइव ज़ीरो और जब आप इन दोनों को एडेंगे एड add करेंगे यू विल गेट फाइव डबल थ्री फाइव जीरो क्वेश्चन नंबर इलेवन वट वॉज द बैलेंस शोन ऑन पीटर्स बैंक स्टेटमेंट तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है चेक विच एक्स आपको अनप्रेजेंटेड बैंक स्टेटमेंट में एडजस्ट करेंगे कितने थ्री हंड्रेड माइनस होगा डिपॉजिट्स मेड बट नॉट येट क्रेडिटेड तो वन थाउजेंड एड होगा अनक्रेडिटेड कहता है पीटर हैज़ फॉरगेटन टू इंटर अ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ हंड्रेड इन हिज कैश बुक तो ये हंड्रेड माइनस हो जाएगा एट फिफ्टी माइनस हंड्रेड तो सेवन फिफ्टी इज़ द करेक्ट बैलेंस रिवाइज बैलेंस एडजस्टेड बैलेंस ये वो बैलेंस है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है तो अब हमने क्या फ़ाइंड करना है हमने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड करना है तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से थ्री हंड्रेड क्या होगा माइनस होगा प्लस होगा वन थाउजेंड इज इक्वल टू सेवन फिफ्टी तो x आप फाइंड कर लेंगे x इज इक्वल टू सेवन फिफ्टी प्लस थ्री हंड्रेड माइनस वन थाउजेंड फिफ्टी एज यूर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ मूव करते हैं कहते हैं सी हैड द फॉलोइंग टोटल इक्विटी एट फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी एक्स वन रिटेन अर्निंग शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम तो ये टोटल उसकी पास ओपनिंग थी ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट आपने लिया तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है ये बिफोर टैक्स है तो इसमें से प्रॉफिट टैक्स माइनस करने के बाद क्या कर लें आप प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे तो मैंने एटीन फाइव हंड्रेड पूरा लिख दिया और माइनस ट्वेंटी नाइन हंड्रेड कर लिया मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लिया है और इसके बाद उसने कहा कि आपने शेयर्स इशू किए हैं कितने शेयर इशू किए हैं एक हज़ार शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पे किए हैं पॉइंट फाइव तो इसका मतलब आपने टोटल कितने के शेयर इशू किए होंगे 1.5 के तो वन किधर चला गया कैपिटल में चला गया पॉइंट फाइव कहाँ चला गया इक्विटी प्रीमियम में चला गया तो असल में तो 1.5 सारा का सारा इक्विटी में गया है वो कैपिटल में गया है या प्रीमियम में गया है ओवरऑल 1000 शेयर कैपिटल में गया तो शेयर कैपिटल भी क्या है पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर प्रीमियम में पॉइंट फाइव गया तो वो भी क्या है पार्ट ऑफ इक्विटी मीन थाउजेंड मल्टीप्लाई विच 1500 इज पार्ट ऑफ इक्विटी तो हम क्या करेंगे विद आई एस बी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच ऑफ द elements in the financial statement does the following definition relate to a present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past event this is the definition of liability kitna asan fa1 a sole trader has been non current assets of 23000 current assets of 12400 means dono ko add total assets again, capital 11,800 एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज आर बीस हजार वट आर वट इज वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी तो करंट लाइबिलिटी को एक्स बनाओ बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले आओ साइन चेंज कर दो प्लस को माइनस कर दो यू विल गेट दर्टी सिक्स हंड्रेड क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वॉर्नर कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट शोज़ा डेबिट बैलेंस तो हमने क्या कहा था यहाँ पर कोई इख्ताक नहीं है कैश कह रही है कि मैंने देने हैं मेरी लाइबिलिटी है बैंक कह रहा है डेबिट मैंने आपसे रिसीव करने हैं डेबिट तो इसका मतलब क्या है वार्नर हैज़ एन ओवर ड्राफ्ट ओवर ड्राफ्ट एट द बैंक मीन्स वार्नर ने एक सौ बैंक का पे करना है तो बहुत ही आसान सवाल था क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पर आ जाए कहता है एडवोर्ट अमाउंट शुरदी शेयर प्रीमियम अकाउंट भी स्टेटेड इन लाइम्स को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एट थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी एक्स नाइन सो हमने शेयर इशू किए वन पॉइंट फाइव के टेन थाउजेंड शेयर इशू किए तो आप देखें टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय पॉइंट फाइव तो डेबिट कैश कितना आ जाएगा पंद्रह हज़ार क्रेडिट शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा दस हज़ार क्रेडिट प्रीमियम आ जाएगा पाँच हज़ार तो अब मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं वो एक लाख दस हज़ार हो चुके हैं और मेरा प्रीमियम कितना हो चुका है पच्चीस हज़ार हो चुका है अब क्या कहता है बाद में तीस सितंबर को क्या हुआ राइट इशू हुआ हर पाँच के बदले एक शेयर दिया गया तो अब एक लाख दस हज़ार डिवाइडेड बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय वन तो मैंने कितने शेयर्स दिए गए मैंने कितने शेयर दिए मैंने बाईस हज़ार शेयर राइट इशू किए और कितने के किए पॉइंट फाइव के किए तो प्रीमियम वन पॉइंट फाइव के किए तो प्रीमियम कितना है जो एक्स्ट्रा लेते हैं एक्स्ट्रा कितना लिया है पॉइंट फाइव तो बाईस हजार मल्टीप्लाई बाय पॉइंट फाइव इज ग्यारह हज़ार तो इसका मतलब क्या है कह रहा है प्रीमियम क्या होगा तो बीस जमा पाँच पच्चीस पच्चीस जमा ग्यारह थर्टी सिक्स हजार थर्टी सिक्स हजार इज दी करेक्ट ऑप्शन क्लियर है बात डबल एंट्रीज भी हम कर सकते थे इसकी बट हमें प्रीमियम ही फाइंड करना था हमें कैपिटल की अगर बात करते तो कैपिटल हमने कहा कि इसमें कैपिटल भी फाइंड हो सकता था कैपिटल कितना था एक लाख दस हजार और फिर बाईस हजार के हमने नए शेयर इशू किए तो ये हो गया एक लाख बत्तीस हजार तो बट हमें प्रीमियम चाहिए था हमने प्रीमियम निकाल लिया क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कहता है द ट्रायल बैलेंस विलो को डज नॉट एग्री बाय टू थाउजेंड कहता है दो हजार से आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हुआ तो क्या ऐसी हरकत हुई होगी क्या आपने ऐसा काम किया होगा कि जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस इम्बैलेंस हुआ बाय टू थाउजेंड तो देखते हैं क्या कहते हैं जी अ चेक फॉर टू थाउजेंड अकाउंट फ्रामीवल ये हमारे लिए मसला नहीं है क्योंकि आपने ये कौन सा एरर किया है एरर ऑफ कमीशन है एक कस्टमर की जगह दूसरा कस्टमर एक, एक एक्सपेंस की जगह दूसरा एक्सपेंस एक एसिड की जगह दूसरा एसिड एक इनकम की जगह दूसरी इनकम ऐसे एक्सपेंस को क्या कहते हैं ऑफ कमीशन कहते हैं और ट्रायल बैलेंस बैलेंस रहता है अ चेक फॉर टू टू सप्लायर हैड करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश तो देखो दोनों एंट्रीज को आपने क्रेडिट क्रेडिट कर लिया तो फिर ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं रहना था या सस्पेंस बनना था चार हजार से कितने से इम्बैलेंस आना था जब दोनों को क्रेडिट कर लो तो सस्पेंस चार हजार से बनता है दो हजार से नहीं बनता फिर क्या कहता है करंट अनॉन क्रडिसन हजार हैड बिन करेक्टली रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक क्रेडिट कैश एंड क्रेडिट परचेजेस अब देखो दोनों को क्रेडिट किया वन वन से अब डेबिट साइड वीक हो गई बाय टू थाउजेंड डबल अमाउंट मतलब टू थाउजेंड से हमारी डेबिट साइड वीक हो गई तो यही हमारा सही ऑप्शन था कह रहा है तो बताओ उसने डेबिट क्रेडिट नहीं पूछा उसने कहा है कि बताओ टू थाउजेंड से ट्रायल बैलेंस का बैलेंस नहीं रहेगी तो सी एक ऐसी बात है जहाँ पे टू थाउजेंड से बैलेंस नहीं रहेगी बाकी अभी ऊपर हमने देखा तो वहाँ पे फोर थाउजेंड से नहीं रह रही थी और पहले केस में हमने देखा वहाँ पे तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस था डी भी देख लेते हैं एन इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट ऑफ वन थाउजेंड बिन करेक्टली रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक क्रेडिट कैश एंड एसिड एरर ऑफ प्रिंसिपल और यहाँ पे भी नहीं बनता नहीं बनता तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस रहता है क्वेश्चन नंबर एटीन पे आ जाए कहते हैं शुट दी फॉलोइंग आइटम भी इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्वल इन स्टेटमेंट ऑफ कैश लो कहता है in कैश लो के अंदर कैश एंड कैश इक्वलेंट में क्या आएगा कैश इन हैंड यस आएगा हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो हाईली लिक्विड है यस yes, वो भी कैश ही कंसिडर की जाती है बैंक कवर या नेगेटिव कैश

बट हम अब उसकी डेप्रिसिएशन कैसे करें दस रुपये का पेन है हम अब आधा रुपया डेप्रिसिएट करें और ये इसकी यूज़फुल लाइफ भी एक साल से कम है तो हम कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात है तो इसको जो हमने थोड़ा थोड़ा करके ये आपने रजिस्टर खरीदा आपने कहा दो का एक्सपेंस हो गया घर वालों से जाके आपने पैसे ले लिए तो अब वो क्या है वो जो आप रजिस्टर ख़रीद रहे हैं वो क्या है असल डेफिनेशन के मुताबिक वो फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है वो आपके कंट्रोल में है आपको इसे रिकॉर्ड करना चाहिए बट क्योंकि अमाउंट लो है तो आप उसको फ़ौरन सारा का सारा क्या बना देते हैं एक्सपेंस बना देते हैं क्यों अमाउंट लो है तो अमाउंट से चीज़ कौन सी चीज़ कौन सा कंसेप्ट रिलेट करता है मटेरियलिटी कंसेप्ट रिलेट करता है कि ये इतनी मटेरियल अमाउंट नहीं है ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि आप पहले इसे एसिड बनाओ और फिर आहिस्ता 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 करके उसको डेप्रीसीट करो कि आज आपने गलती से एक पेज लिख लिया तो आपने कहा ये मेरी डेप्रिसिएशन हो गई है और चार सौ निन्यानवे पेज रह गए हैं तो ये मेरा कैरिंग वैल्यू है तो ये करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी नहीं होगा इतना इतना सारा कुछ करने का तो आप इस कंसेप्ट की बेस पे उसे क्या बनाते हैं एक्सपेंस बना देते हैं फिर क्या कहता है कि कंपनी मशीन मशीनरी कॉस्ट लेजर अकाउंट इज एज फॉलो ओपनिंग वैल्यू भी है एडिशन भी हैं डिस्पोजल भी है और आप हमें कह रहा है कि बताओ डेप्रिसिएशन कितनी होगी तो देखो साल में हमने कितने एसेट्स बेचे हैं चार तीन जमा एक चार सौ के एसेट्स बेचे हैं पड़े हुए कितने के थे पाँच सौ के तो कहते हैं जो बेच रहे हैं उस, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होगी तो क्या आपने रिटेन क्या किया है ओल्ड एसेट्स में से आपने हंड्रेड रिटेन किया है और जो एसेट खरीदा है उसकी फुल ईयर डेप्रिसिएशन होगी तो खरीदे कितने के हैं टू हंड्रेड और रिटेन ओल्ड में से फाइव हंड्रेड टोटल थे डिस्पोज कितने कर दिए फोर हंड्रेड तो रिटेन ओल्ड एसेट कितना रिटेन किया है हंड्रेड और न्यू कितने खरीदे टू हंड्रेड तो टोटल कितने आगे थ्री हंड्रेड इस थ्री हंड्रेड पर डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी यहाँ पर क्या कह रहे हैं ट्वेंटी परसेंट चार्ज यूजिंग द स्टेट लाइन तो हमने तीन सौ का ट्वेंटी परसेंट ले लिया इज़ सिक्सटी कहते हैं नन ऑफ द मशीनरी हैज़ बिन हेल्ड फॉर मोर दैन ट्व फाइव ईयर्स मतलब हर एसेट सिर्फ पाँच साल के लिए डेप्रिसिएट होता है अ फुल ईयर चार्ज इज मेड इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन इसीलिए हमने जो 200 है उसके पूरे साल के लिए है एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल इसीलिए 500 में से जो 300 के एसेट्स बेच दिए थे उनकी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की तो द वैल्यू इट्स 60 डॉलर्स क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू कैलकुलेट आइदर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ग्रॉस प्रॉफिट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 तो इसका मतलब क्या है ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू आर यूज्ड इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड वट इज द फॉमूला ऑफ़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल इम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉड का फार्मूला क्या होता equity and debt, rent, है इक्विटी एंड डेट या टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज दोनों फार्मूलाज हैं तो अब ग्रॉस प्रॉफिट में क्या दो चीज़ें यूज होंगी ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू और रिटर्न ऑन कैपिटल कैपिटलॉयड में क्या यूज होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इक्विटी एंड डेट्स कहता हाउ मच विल एच प्रॉफिट बी रिड्यूस बाय वेन द आइटम हैव बीन अकाउंटेड फॉर कहता है जी एच वॉज ओड फाइव हंड्रेड फ्रॉम अ कस्टमर डॉलर ओड कहता है हर आधे पैसे मिलेंगे तो पाँच सौ का आधा कितना हो गया दो सौ पचास तो दो सौ पचास क्या बन जाएगा एक्सपेंस और कहता है ही ऑल्सो नीड टू इंक्रीज हर अलाउंसिबल बाई टू सेवेंटी फाइव तो इसका मतलब आपने इंक्रीज इन अलाउंस इज यू फिफ्टी एक्सपेंस वोटल एक्सपेंस इट फाइव टू फाइव पाँच सौ पच्चीस

बल yes. यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने लोन देखा और उसने कहा लोन तो क्रेडिट होता है ये लोन रिसीव नहीं किया हुआ है ये लोन दिया हुआ है तो आपके लिए रिकवरेबल है आपके लिए एसेंट है तो ये क्या है डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव इनकम है क्रेडिट होती है अकोम बी क्रेडिट होती है तो आप कॉस्ट लेस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए 24 डी हैज 176 इन बैंक एट फर्स्ट जनवरी बट हैज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एंड बैंक्स ट्रांजैक्शन कहता है जी आपने आपकी तरह का कोई अकाउंटेंट था जिसने गलत मतलब सा लेजर बना दिया और अब कह रहा है इसको जरा ठीक करके बताओ तो कैसे ठीक करेंगे कहता है ओपनिंग बैलेंस ठीक है 176 ओपनिंग है 300 रेंटल इनकम है तो बैंक में ऐड हो जाएगी और 5368 जो आपने कस्टमर से रिसीव किया है तो डेबिट साइड पे आएगा जो 150 है डिस चेक वो क्रेडिट साइड पे आएगा क्यों क्योंकि डिस चेक की एंट्री क्या होती है डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट बैंक तो बैंक क्या होता है क्रेडिट होता है तो डिस क्या आएगा क्रेडिट साइड पे आएगा फिर इसके अलावा थ्री टू ये जो आपने पेमेंट की है कैश पेड क्रेडिट साइड पर आएगा और 98 जो बैंक चार्जेस हैं यह भी क्या आएंगे क्रेडिट साइड पे आएंगे तो जब आप इसे बैलेंस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा टू थ्री सेवन वन अगेन व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर नोट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रेजेंट टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट बेसिस प्रिपरेशन एंड द स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज टू डिस्क्लोज स्पोर्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइटम प्रेजेंटेड इन द प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोवाइड अदर इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट प्रेजेंटेड इन द प्राइम Primary financial statement, but is necessary for the understanding of them. Yes, all three. One, two, and three. Question number twenty-eight. tico made the following payments for rental computer rentals. 4500 for the three months ended. Fab 20x8. 49450 for the six months ended. 31st August 20X8. 10, for the six months ended. ट्वेंटी एट फाइव ट्वेंटी एक्स नाइन वट अमाउंट शुड बी चार्ज एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दर हंड्रेड थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी एक्स एट तो देखें हमने जो पहली पेमेंट है वो तीन महीनों की है जो तीन महीने कब ख़त्म हो रहे हैं फरवरी में तो इसका मतलब उसमें से हमने कितने मंथ्स लेने हैं दो महीने एक महीना पिछले साल का तो पैंतालीस तो सौ डिवाइडेड बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय टू एक तो ये पेमेंट आ गई थ्री थाउजेंड दूसरी जो सिक्स मंथ्स हैं वो इसी साल से रिलेट करते हैं वो सारे के सारे नाइन फोर फाइव जीरो सारे के सारे आ गए और जो लास्ट पेमेंट की है वो कितने महीनों की है सिक्स मंथ्स की बट चार महीने इस साल के दो महीने प्री पेमेंट में चले गए तो लास्ट पेमेंट के फोर बाई सिक्स कर दें तो पहला क्या आ गया तीन हज़ार जमा नाइन फोर फाइव ज़ीरो जमा सिक्सटी एट हंड्रेड तो टोटल तो वुड बी नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी विच ऑफ द फॉलोइंग एर वुड लीड टू क्रिएशन ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट अ कैश सेल्स ऑफ थ्री हंड्रेड वॉज कम्पलीटली ओमिटेड तो सस्पेंस नहीं बनेगा ये क्या है कम्प्लीट ओमिशन है पार्शल ओमिशन होती तो सस्पेंस बनता अ क्रेडिट सेल्स वॉर रिकॉर्डेड एज अ कैश सेल्स तो देखें डेबिट क्रेड इक्वल हैं जब तक तो सस्पेंस नहीं बनता अ ट्रांसपोजिशन एरर वॉज मेड टू द डेबिट इंट्री कहता है सिर्फ और सिर्फ आपने डेबिट साइड पर ट्रांसपोजिशन किया है क्रेडिट ठीक लिखा है तो डेबिट एंड क्रेडिट विद डिफरेंट वैल्यूज एंड डेबिट एंड क्रेडिट आर विद डिफरेंट वैल्यूज सस्पेंस बनेगा एलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वॉज रिकॉर्डेड एज टेलीफोन एक्सपेंस तो यहाँ पे भी एरर ऑफ कमीशन हैलकुलेटेड एंड इंटरप्ट रेशियोज टू चेक दैट द इन्फॉर्मेशन इन दाइनेशियल स्टेटमेंट इज कंप्लीटली एक्ट ये मकसद नहीं होता मकसद होता है टू मोनिटर की परफॉर्मेंस एरियाज हमारा काम कर रहा है और की परफॉर्मेंस एरिया क्या है तो टू एंड थ्री आर करेक्ट फिर कहता है विश टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी एलोकेटेड टू फाइनेंस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑर्डिनरी डिविडेंट पेड टैक्सेशन पेड फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आएंगे फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा लोन इंटरेस्ट एंड रिडीमेबल रिडीमेबल हमने कहा था लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी के ऊपर हम डिविडेंड नहीं इंटरेस्ट आएगा तो सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन यही सवाल जब आपको एग्जाम में आएंगे तो वो जरूर हर हर बच्चे को ऑप्शन शफल करके देगा तो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देख लेते हैं कहता है आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स वेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट एट दी कंपनीज ए जी एम ऑर्डनरी शेयर होल्डर डू नॉट नीड टू वोट क्या भाई ऐसी बात यह है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट करने की इजाज़त ही नहीं होती तो इनके पास पावर ही नहीं है तो ये स्टेटमेंट ही गलत लिखी हुई है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर शुड बी रिकोगनाइज एज अ लाइबिलिटी येस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अभी हमने बात की कि वो उन पर जो भी इंटरेस्ट होता है वो फाइनेंस कॉस्ट होती है वो डिविडेंड नहीं होता क्योंकि वो लाइबिलिटी होती है ऑर्डनरी शेयर ऑलवेज कैरिट दी राइट टू तो अ फिक्स डिविडेंड नो वो तो डिपेंड ऑन प्रॉफिट्स हमने हमने इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है डिविडेंड फिक्स नहीं होता है शेयर होल्डर को तो जो प्रॉफिट है उसके मुताबिक उनको रिटर्न मिलेगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू विश टू ऑफ द फॉलोइंग आर आर ट्रू सेल्स इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ग्रॉस नो सेल्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट नेट वैल्यू रिसीवेबल हाँ, में ग्रॉस आते हैं रिसीवेबल्स जो आएंगे वो ग्रॉस अमाउंट होती है सेल्स आर इंक्लूडेड इन रिसीवेबल नेट तो देखो इसको अगर ऊपर ले जाता और ऊपर वाले को नीचे लिख देता ऊपर नेट लिख देता और ये ग्रॉस कर देता तो ये ए और बी ठीक हो जाते बट उसने दोनों में उलट लिख दिया सेल टैक्स इज कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेशन अथॉरिटीज यस सेल टैक्स कैन बी रीपेड यस अगर आपने ज़्यादा कलेक्ट किया हुआ है तो आप एक्स्ट्रा सेल टैक्सेशन अथॉरिटी को दे देंगे और इसी तरह ले भी लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर एफ को हैज एयर एंड ऑफ थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी एक्स एट कहता है देखें रिक्वायरमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू आई एस टेन इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड वट इज़ द डिक्रीज इन प्रॉफिट तो हमने देखना है इसमें से एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट देखना है कहता है फ्लड इन द गुड ये दिनिश की हमने बात फायर फ्लड हमने हमने कहा था ये नॉन एडजस्टिंग होते हैं हमने बड़ी डिटेल में ये बात की हुई है तो कहता है हाँ अगर नॉन एडजस्टिंग क्या होता गोइंग कंसर्न को इफेक्ट करता है तो एडजस्टिंग होता है तो ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है तो आपने कितने की इन्वेंट्री कितने की डैमेज हुई है पंद्रह हज़ार की है तो ये कोई गोइंग कंसर्न के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा और फिर आखिर में क्या कह रहा है ऑन थर्ड जनवरी ट्वेंटी वन ऑफ कंपनीज कस्टमर वेंट इंटू लिक्विडेशन और जिससे आपने पचास हज़ार देने थे तो ये इ रिकवरेबल है तो ये इ रिकवरेबल प्रॉफिट को डिक्रीज़ करेगा बाई फिफ़्टी थाउज़ेंड लिक्विडेशन का मतलब है कि वो लिक्विडेट हो गया है उसकी कंपनी ख़त्म हो गई है अब वो बैंक करप्ट हो चुका है अब वो आपको आपके बैलेंस नहीं दे सकता तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा बाई फिफ्टी थाउजेंड लास्ट एम सी क्यू दैन फिर हम एम टी क्यूज पे जाएंगे

देखें आपने एक्सपेंस कितना बनाया दस हज़ार आपने बनाना क्या था दस हज़ार एसिड बनाना था तो अगर आप दस हज़ार का एसिड बनाते तो उस पर डेप्रिसशन भी चार्ज करते कितनी डेप्रसीशन चार्ज करते चार सालों की क्योंकि उसने कहा ना फोर ईयर्स नेक्स्ट फोर ईयर्स तो चार सालों की डेप्रिसन कितनी एक साल की आ गई पच्चीस तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो नॉन करंट एसिड्स हैं वो कितने से कम हो गए हैं सेवेंटी फाइव हंड्रेड से और आपका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट भी कितने से कम हो गया क्योंकि जब आपने एक्सपेंस दस हज़ार का बनाया बनाना कितने का था पच्चीस सौ का डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस बनाना था आपने टोटल एक्सपेंस दस हज़ार बना दिया तो आपने सेवेंटी फाइव हंड्रेड ज़्यादा एक्सपेंस बना दिया तो जब सेवनटी फ़ाइव हंड्रेड ज़्यादा एक्सपेंस बनाया तो प्रॉफिट कितने से डिक्रीज़ हो गया सेवेंटी फ़ाइव हंड्रेड से तो टू एंड फाइव प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज अंडर अंडरस्टेटेड बाई सेवेंटी फाइव हंड्रेड एंड नॉन करंट एसेट्स आर अंडरस्टेटेड बाई सेवेंटी फाइव हंड्रेड तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है टू एंड फाइव तो ये आपका पहला पार्ट था जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है वो दो एम हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं